आज हमारे बीच में अर्पित अग्रवाल जी बैठे हैं, जिन्होंने नवंबर 2020 में अपना इंटर का एग्जाम दिया और जिन्होंने खास तौर पर एफएम के सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा इन्होंने मार्क्स सिक्योर किया। इनफैक्ट इनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स एफएम में आया है, एफएम इन इको में। और मेरा मानना है कि अगर इको में थोड़ा सा और ये अच्छा कर लेते तो ये 100% मार्क्स भी सिक्योर कर सकते थे। इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर थे, फाइनेंस के प्रति इनका स्पेशली झुकाव था, क्लासेस भी इनको काफी अच्छा लगा और क्लास के कॉन्सेप्ट इनके बहुत ज्यादा क्लियर थे। एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्फिडेंटली ये एग्जाम फेस किए और जब एग्जाम का पेपर देखा तो इन्होंने ये यकीनन ये फैसला कर लिया कि इस पेपर में तो मुझे एफएम में तो जी 100% मार्क्स मिलना ही मिलना है, क्योंकि इको थोड़ा थ्योरिटिकल होता है तो शायद हो सकता है उसमें इनका मार्क्स कटा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था एग्जाम से पहले कि इस स्टूडेंट का 100% मार्क्स जरूर आएगा। तो अर्पित जी, आपने इतना बड़ा सफलता जो पाया है उसका राज क्या है? क्लास आपको कैसी लगी और खास तौर पर एफएम में आपको जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसका आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि क्या आपने तैयारी की, क्या आपका अप्रोच था? प्लीज अर्पित जी, आप प्लीज आप कहें। सर, एक्चुअली सर एफएम में सर मैंने सेल्फ स्टडी तो बहुत ही कम किया, मतलब कि किया ही नहीं एक तरह से, क्योंकि क्लास में सारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाते थे। एंड सर बेस्ट पार्ट वॉज कि आप सर एक एक चीज को सर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवा देते थे, कि मतलब कि वहीं पर ही याद हो जाता था लिखते लिखते, क्योंकि सर आपका नोटिंग का स्टाइल बहुत ही इट इज जस्ट ऑसम, कि घर पे पढ़ने का भी जरूरत है ही नहीं बस। एंड सर आप एक बात बोलते हैं कि आपको पेपर देख के ऐसा लगेगा कि हम तो इसको छोड़ ही दें, ये तो बहुत ही याद है, टेंशन ने तो सब करा दिया। एंड इट इज रियली ट्रू कि पेपर देख के ऐसा ही लगा कि ये तो सारे क्वेश्चन सर ने कराए हुए हैं। बहुत अच्छा, एंड सर इको में मेरा थोड़ा कम कम रह गया सर। एफएम में तो सर 60 में से मेरे 55 भी या 60 के बीच में स्कोर हुआ है, इको में सर थोड़ा कम रह गया मेरा बस। नहीं। और एग्जाम से पहले रिवीजन हो गया था अच्छे से? यस सर, रिविजन वॉज एब्सोल्यूटली फाइन, बट सर इको में मेरा थोड़ा था, मेरे को पहले से ही पता था कि इको में मैं इको ही लेट हुएगा, मेरे को इको में ही मेरे कम आएंगे। नहीं, आपके कंसिस्टेंटली थ्योरी में थोड़े कम मार्क्स हैं आपके और प्रैक्टिकल में थोड़े ज्यादा हैं। यस सर, इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इन फाइव सब्जेक्ट्स आई हैव सिक्योर्ड एग्जेम्पशन, हाँ, एंड सारे इन पेपर में थ्योरी एग्जेम्पशन है सब्जेक्ट्स आपके, तो प्रैक्टिकल आपका वैसे भी स्ट्रांग था और हाईएस्ट मार्क्स एफएम में मिला, ये बात की खुशी मेरे को हमेशा रहेगा। यस। एंड सर एफएम में सर मैंने सर एग्जाम से पहले से इतनी मेहनत भी नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि सर लास्ट पेपर वाले दिन तो सर आप जानते ही हैं सर माइंडसेट ही कैसा रहता है कि लास्ट पेपर है, पढ़ने का भी इतना मन नहीं करता लास्ट पेपर वाले दिन। पर सर तब पेपर आया तब मेरे को लगा ये सारे सर की बुक के क्वेश्चंस हैं, आंसर सब हो गया ढंग से बस। चल, अब फाइनल में आपको लेकिन 100 में 100 लाना है। सर फाइनल में तो सर अब पक्का 100 में से 100 ही लाना है, अब तो मैं फेस टू फेस क्लासेस का सोचा हुआ है, ये तो मैंने गूगल ड्राइव क्लासेस ली थी आपकी, अब तो फेस टू फेस का ही है सर। देखो, अभी एक्चुअली क्या है, कोरोना के टाइम है ना, तो थोड़ा सा वही इश्यू रहता है फेस टू फेस में। बट हमारे वही बट हमने सारा प्रैक्टिकल कवर किया है अपने ऑनलाइन मोड में भी, क्लासेस में जो हम दे रहे हैं उसमें हमने सारा प्रैक्टिकल कवर किया है, हमने पूरा स्टॉक मार्केट दिखाया उसमें भी। हाँ सर, आपका एफएम, मैंने एफएम लिया, एफएम में भी आपने शुरू की 2-3 क्लास आपको स्टॉक मार्केट की रहती है, उसमें आप प्रैक्टिकली दिखाते हैं। एंड सर डेट वॉज द बेस्ट पार्ट। थैंक चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतनी मेहनत की, यू सर। आपको इतना अच्छा, आपको पढ़ाने का मौका दिया, पढ़ने का मौका दिया, और आप पूर्व आगे भी बहुत नाम करेंगे। एक बार हम और जरूर मिलेंगे ताकि आपका और नाम हो सके दुनिया में, आप और कमाल कर सके और आपको अच्छी से अच्छी आर्टिकलशिप मिले, क्योंकि बिग फोर वाले आप जैसे स्टूडेंट्स को देखते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, ऑलमोस्ट सारे पेपर में आपके एग्जेम्पशन है, डेफिनेटली आपको एक अच्छी आर्टिकलशिप भी मिलेगी और आगे चलकर आप फाइनल में भी इससे बेहतर करोगे, ये मेरा पूरा यकीन है, ये मेरा पूरा मानना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अर्पित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।